ريم كاي إلى ريم أسكا لا يمسك لا يم ريم كاي إلى ريم أسكا لا يمسك لا يم ريم كاي إلى مطلب يه كان كلام في بطيء كشوف كون تاسه بوله يك يطوله جلدي سه بولين كشوف طول جايعا ريم كاي سبكا يدوم طول جايعا ريم كاي إلى ريم أسكا لا يمسك لا يم ريم كاي إلى كيف بولنا بريكا جو سبيد بولا هذا دكش هو جايعا هذا كش روتو مطلب بيكار هو جايعا إسلي अक्षर को पूर्ण तरह से उच्चारण करना एक अक्षर पूरा बोले ईम का ए ई ला री भाषा का ला ईम ला का ला री ईम का ए ये एक मंत्र होगा ईम का ए ई ला री इस प्रकार से मंत्र बोलना है और आप स्वयं कल ही यदि किसी से पैसे मांगने हो या कहीं उधार लेने हो कोई व्यापार के लिए कार्य हो तो सेंटर पर आप बोलिए 11 बार उच्चारण करें स्थान करके शुद्धता के साथ और उसके बाद में आप जाकर के आप काम देख लीजिए आपके 90% काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा और निश्चित रूप से हो जाएगा ये अपने आप में अत्यंत सौभाग्यदायक देवी और अत्यंत तीव्र प्रभाव देने वाली है जमीन में गड़ा हुआ धन हो या कहीं से प्राप्त हो या ऋण मुक्ति हो या तो बैंक का काम हो या किसी प्रकार का काम हो इसे काम रुक नहीं सकता ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंत्र है श्रेष्ठतम मंत्र है और मेरे बिना आज्ञा के ये मंत्र आप दूसरों को देंगे नहीं और बताएंगे नहीं मैं इसको समझाएंगे ये आपको मेरा आज्ञा है ये मेरा आशीर्वाद भी है मगर इस बात को ध्यान रखेंगे कि दूसरे को मंत्र क्योंकि उसमें शास्त्र में कहा है गोप नियम गोप नियम गोप नियम प्रतिथा पिता पुत्रों ने दातव्यम स एव भवतां वदे बाप को भी चाहिए कि अपने बेटे को नहीं दे जब तक वह गुरु आज्ञा नहीं दे और इसलिए गोप नियम गोप नियम गोप नियम प्रयत्न करके भी इस मंत्र को गोपनीय रखे गोपनीय रखे गोपनीय रखे आनंद है कल मैं आपको कल का दिन महाकाली दिवस है महाकाल के विजय की बात करने के लिए महाकाली प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा और महाकाली शास्त्र में कहा है कलो चंडी विनायको कलयुग में दो ही देवियां जल्दी सिद्ध होती हैं या तो चंडी चंडी माने जगदम्बा दुर्गा भवानी महाकाली जो भी विनायको माने गणपति तो दो ही देवता ऐसे हैं कलो चंडी विनायको कलयुग में दोनों ही तुरंत सिद्धि प्राप्त करते हैं और काली सिद्ध करने का तात्पर्य है समस्त अभावों पर जीवन के समस्त अभावों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना महाकाली का आपने शुरू देखा होगा कि वह शिव के छाती पर प्राण रखी हुई खड़ी है और गले में नरमुंड माला पहनी हुई है और जीभ निकली हुई है आचरण में बस आयुध है ये अपने आप में पूर्ण भगवती का साक्षात स्वरूप है पूर्ण शत्रु मर्दिनी स्वरूप है और शत्रु का मतलब दुश्मन आदमी वह तो है शत्रु का मतलब घर में कला वह शत्रु है अभाव एक शत्रु है दुर्भिक्ष एक शत्रु है समस्याएं एक शत्रु है परेशानियां एक शत्रु है घर में कोई लड़ाई झगड़ा है तो शत्रु है भाई भाई के बंटवारे में कोई चीज है तो शत्रु है पड़ोस लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो शत्रु है हमारे अंदर क्रोध की भावना ज्यादा है तो शत्रु है हम जो इच्छा पूरी चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो शत्रु है फैक्ट्री बंद है तो शत्रु है अवसर में क्या न माना तो शत्रु है और इन सब पर पांव रखती हुई जो सिद्धि देने वाली देवी है उसको महाकाली कहा गया है और जीवन में वो अपने आप में सौम्य साधना है फिर मैं आपको बता देता हूँ महाकाली साधना उतनी ही सौम्य है जितनी की हम दूसरी साधना करते हैं गणपति की साधना करते हैं ऐसी स्वरूप अपने आप में तेजस्वी है वह तेजस्वी स्वरूप है और कहते हैं कि जब तक महाकाली सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य साधनाएं सिद्ध नहीं होती क्योंकि वह जो नीचे है वो अपने आप में सर्व है तो शव पे पांव रखने से वो अपने आप में शिव बन जाता है शव और शिव में इकार की डिफरेंस है इकार अपने आप में शक्ति का स्वरूप है इसलिए तब तक हम शव रूप बने रहेंगे जब तक हमें शक्ति का संचार नहीं होगा या तो मुर्दे के रूप में रहे जिंदगी भर सांसित रहें या शक्ति का संचार करें इसलिए वो प्रतीक है चित्र कि उस शव के ऊपर दाहिना पांव रखा हुआ और पूर्ण जीव निकली पूर्ण तेजस्वी आकार युक्त और शत्रुओं पर पूर्ण प्रहार करने वाली क्षमता ऐसी अगर हमारे सिद्ध हो जाए हमारे साथ हो जाए तो फिर पूरे तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी आपने रावण संहिता शायद आपको पढ़ने को नहीं मिली रावण अपने आप में तेजस्वी ब्राह्मण था और उसने लिखा है महाकाल्यम रूपम भवत सहितम दुर्वद वचम सहितव्यम नेत्रम सकल पुरमेवम सहितवेहि उसने कहा कि महाकाली तुम अपने आप इतनी तेजस्वी थी इतनी सौम्य मैं माँ की गोद में बैठने से भी इतना सुख नहीं मिलता जितने में तुम्हारे पास बैठने से सुख मिलता है इतनी तुम्हारे नेत्रों से करुणा इतना क्रोध बरसता है कोई संभव नहीं है कि कोई शत्रु मेरे सामने खड़ा हो सके और रावण के सामने कोई शत्रु खड़ा हो ही नहीं सका
वह तो उसने एक अन्याय किया है, दूसरे के स्त्री का हरण किया है, एक पातिव्रत धर्म को खंडित किया, उस पाप की वजह से उसका नाश हुआ एक अलग बात है, मगर सबसे पहले पुष्प की मान उसने बनाया और कोई नहीं बना सके, देवता भी नहीं बना सके थे, सबसे पहले अपनी पूरी नगरी को सोने के लंगा वो बनाया और कोई नहीं बना सकेगी, अपने विद्वान था तो बड़ा था। और भाई ऐसा श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी आया है, भाव्यम देवम सहित शक्ति सहित, तब तक मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर ही नहीं सकता जब तक अपने आप के स्वर को अपने मुर्दा रूप को शक्ति के साथ में पूर्ण जीवंत नहीं बना दे, और जब जीवंत बन जाए तो अपने आप में पूर्ण रूप से शिवमय बन जाता है, कल्याणमय बन जाता है, तेजस्वी युक्त बन जाता है, चैतन्य बन जाता है और समस्त प्रकार के विकारों शत्रुओं पर पूर्ण रूप से हावी करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक पल माँ काली उसके साथ रहती है, मार्गदर्शन करती रहती है, हर क्षण जो भी जीवन में काम हो अपने आप स्वप्न में दे देगी, ये काम तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसके साथ तुम्हें सौदा नहीं करना है, तुम्हें कल की कष्ट आने वाला है, कल तुम ये समस्याओं में तुम कल वाहन नहीं चलाओगे, अपने आप स्वप्न में महाकाली बिल्कुल रक्षा करती हुई, कि रक्ष रक्ष महाकाल्य पूर्ण रक्ष चाहिए बचा, रक्षा करती है महाकाली रक्षा कर सकती है, जो बिल्कुल स्वप्न में गाइड करती रहती है, ये कार्य तुम्हें नहीं करना, क्यों कल एक्सीडेंट होने वाला है, कल तुम्हारे घर में तकलीफ आएगी, कल ही समस्या तुम्हारे सामने आएगी, फिर बताऊंगा कि स्वप्न में महाकाली किस प्रकार से किसी प्रकार की ध्वनि देती है, कल प्रयोग में समझाऊंगा, कल श्रेष्ठतम प्रयोग होगा महाकाली प्रयोग, जो आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम प्रयोग हो, मैं आपको आदेश आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, पूर्णता देता हूँ, मैं आशीर्वाद दे मंत्रार्था सुखलासन दो गुणाम संतोधा सतनाम प्राणाम लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीरोपुत्रलाभम सत्सवत्सरम दीर्घमायु ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्नियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिखाण सर्वलोकम मेखाण। मेरा आशीर्वाद है कि आप वास्तव में अद्वितीय पुरुष बन सके और मेरे सर्वोत्तम शिष्य बन सके, निरंतर मेरी एक ही कामना है कि मैं आपको अद्वितीय बनाऊं, आपके समान दूसरा हो ही नहीं, हो तो फिर आपका जीवन मेरा जीवन दोनों बेकार है, ऐसा ही माँ काली का स्वरूप जीवन कल मैं आपको दूंगा, आप चाहे थोड़ा इधर आ जाए तो फिर आप ही कर सके, ये सामान पड़ा रहने आप थोड़ा इधर आ जाए, चलो जब तब की Thank you.
مجھے میں
आपके साथ में काम करते हुए और मेरा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है। प्रणाम।